सुप्रभात बच्चों, आप सब जानते हो कि कोई भी चीज़ मुफ्त नहीं मिलती, तो यहाँ पर आज मैं एक कहानी पढ़ने जा रही हूँ जिसका नाम है मुफ्त ही मुफ्त। सभी बच्चे अपनी रिमझिम पुस्तक खोलकर उसमें चैप्टर निकालेंगे मुफ्त ही मुफ्त। एक दिन भीखू भाई का मन नारियल खाने का हुआ, ताज़ा मुलायम कसा हुआ शक्कर के साथ। ये गुजराती लोग कहते हैं शक्कर के साथ। उसके बारे में सोचते ही भीखू भाई ने अपने होठों को चटकारा। वाह, क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी, घर में तो एक भी नारियल नहीं था। अब उस समस्या का समाधान कैसे किया जाए, उन्होंने सोचा अब तो मुझे बाजार जाना पड़ेगा। वह बाजार गए। लाभू बहन अपने कंधे उचकाकर बोली, खाना है तो जाना है। अगर तुम्हें खाना खाना है, नारियल खाना है, तो वहाँ बाजार लेने के लिए जाना पड़ेगा, यहीं पर नहीं मिल जाएगा तुम्हें नारियल। बोले ठीक है। अब उन्होंने कहा बाजार जाऊंगा, तो भीखू भाई थे कंजूस। कंजूस कहते हैं ना, कंजूस मक्खी चूस, ऐसी वो भी कंजूस थी। उन्होंने कहा बाजार जाऊंगा तो वहाँ पैसे खर्च करने पड़ेंगे, पर मन भी बहुत कर रहा था नारियल खाने का, तो वो चले बाजार। अब तो सभी बच्चों को पता चल गया होगा कि भीखू भाई बहुत कंजूस थे। वो सीधे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे जाकर बैठ गए और सोचने लगे, क्या करूँ क्या करूँ। मन कर रहा है कि मैं नारियल खाऊं, पर बाजार जाऊंगा तो मुझे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। मगर नारियल खाने के लिए जी ऐसा ललचाया कि वे जल्दी घर वापस लौट कर लाभू बहन से बोले, अच्छा मैं बाजार तक हो आता हूँ, पता तो चले नारियल आजकल कितने में बिक रहे हैं। जूते पहनकर छड़ी उठाकर भीखू भाई चल पड़े। बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे। भीखू भाई ने इधर कुछ देखा उधर कुछ देखा। जब हम बाजार में कुछ खरीदने जाते हैं तो एक सामान देखते हैं, फिर उसी सामान को दूसरी दुकान पर जाकर देखते हैं और उसके दाम पूछते हैं। तो इसी तरह भीखू भाई ने किया। उन्होंने कहा, ए नारियल वाले, जरा बताओ तो सही, ये नारियल कितने का दिया है। उस वक्त रुपए की बहुत कीमत हुआ करती थी, तो उन्होंने बोला, उस नारियल वाले ने कहा कि भाई नारियल जो है 2 रुपए का है। बस 2 रुपए? उन्होंने आंखें फैलाकर कहा, कहीं ये ज्यादा नहीं है, इतने ज्यादा मांग रहे हो तुम, 1 रुपए में दे दो। हमारी आदत होती है ना, मम्मी बाजार कुछ खरीदने जाती है सब्जी, तो वो कहते हैं कि केले इतने के हैं, सेब इतने के हैं, तो वो कम जरूर कराती है। पर बच्चों कभी भी कोशिश करनी चाहिए कि इन लोगों से कम नहीं कराना चाहिए, क्योंकि वो बहुत दूर से लेकर आते हैं, बहुत मेहनत से लेकर आते हैं, और उनसे उनका पेट परिवार चलता है पूरा। नारियल वाले ने कहा, ना जी ना, 2 रुपए सही दाम, ले लो या छोड़ दो या चले जाओ, ठीक ठाक बताओ। अरे ठीक ठाक लगा लो भाई, उसमें क्या बात है, वो बड़बड़ा है। अच्छा एक बात बताओ, इससे सस्ता तुम्हें मुझे कहाँ मिलेगा। बोले ठीक है तो मंडी चले जाओ, 1 रुपए की बचत भी हो जाएगी। उन्होंने कहा, बड़े खुश हुए भीखू भाई सुनकर, अपनी छड़ी को जमीन पर थपथपाया और मंडी में चले। मंडी में देखा तो व्यापारियों का, बहुत सारे व्यापारी जो बाजार ले जाकर अपना सामान बेचते हैं, वो जोर जोर से शोर मचा रहे थे। कोलाहल माने होता है शोर, ऊंची ऊंची आवाज में आवाजें लगा रहे थे, बटाटा आलू, कांदा प्याज, प्याज, गाजर, गोभी, बंद गोभी। तो वो गोभी को कई बार आवाज लगाते हुए गोभी बंद गोभी बोल रहे थे। वहाँ देखकर उनका जी घबरा गया, बड़ी गर्मी लगी, माथे से पसीना पोंछा, इधर उधर ताका, नारियल वाले को देखा और पूछा, अरे भाई मुझे एक नारियल चाहिए, कितने में दोगे। तो नारियल वाला बोला, काका सिर्फ 1 रुपए में, तुम्हें एक चाहिए तो 1 रुपए में ले लो। नारियल वाले ने जवाब दिया। अब भीखू भाई को बड़ा गुस्सा आया, इतनी दूर चल के आया हूँ और 1 रुपए में लूँ। बोले शू छे भाई, क्या बात है, इतनी दूर से आया हूँ और तुम मुझसे 1 रुपया मांग रहे हो, 50 पैसे काफ़ी हैं, मैं इस नारियल को लेता हूँ और तुम मुझसे 50 पैसे ले लो। बोले नाना 50 पैसे, फिर हम क्या कमाएंगे। सच बात तो यह थी कि वह भी काफ़ी थक चुके थे। उन्होंने कहा उस नारियल वाले से कि मुझे बहुत दोगुना चलना पड़ा, अब जरा ये बता दो तुम कितने में लाए हो जहाँ से मुझे 50 पैसे में मिल जाए। तो बोले थोड़ी दूर जाओ, तुम्हें बगीचा मिल जाएगा, नारियल के पेड़ होंगे, माली से पूछ लेना, नारियल तुम्हें 50 पैसे में बेच देगा। बोले ठीक है। अब वो फिर चले, चलते चलते पसीना आ रहा था, भूख बढ़ती जा रही थी, प्यास भी लग रही थी, पर
क्योंकि वो कंजूस थे तो उन्हें तो भाई 50 पैसे में लेने थे, अपने पैसे बचाने थे। पहुंचे माली के पास, माली के पास जाकर पूछते हैं वो माली काका, जरा मुझे एक नारियल चाहिए। लोग, हाँ भाई हाँ भाई ले लो। बोले कितने में दोगे? बोले 50 पैसे में। 50 पैसे? इतने सारे पैसे, अब मैं क्या करूँ? तो बोले ना भाई, 50 पैसे में लेना हो तो लो, नहीं तो बाहर जाओ। तो बोले अच्छा मुझे ये बताओ काका, मुझे फ्री में कैसे नारियल मिलेगा? फ्री मतलब मुफ्त में कैसे मिलेगा? बोले मुफ्त में, ठीक है तुम्हें मतलब मुफ्त में लेना है तो चढ़ जाओ नारियल के पेड़ पर, जाओ नारियल का पेड़ है वहाँ जाकर मुफ्त में नारियल तोड़ो। अब वो बोले जब मुफ्त में मिल रहा है तो मैं 50 पैसे भी क्यों खर्च करूँ। वो भीखू भाई चढ़ गए नारियल के पेड़ पर। जब नारियल के पेड़ पर चढ़े तो अब नारियल का पेड़ इतना लंबा, कैसे चढ़ पाए? नीचे धड़ाम से नारियल के साथ ही गिर पड़े और उनकी बची हुई हड्डी भी टूट, इतना नुकसान हो गया। तो बच्चों इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद।